तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिलेटेड। इस वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट डज सीबीएसई सेज, यानी कि जो सीबीएसई का मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, यानी आपको प्रैक्टिकल में जो 30 मार्क्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है कि किस किस के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड फोर्थ पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप गारंटीड 30 out of 30 100% स्कोर कर सकते हैं। अब वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे सिर्फ दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 75% से ज्यादा लोग सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं एंड वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो इससे मेरा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। सो मैं चाहता हूं कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जो दूसरा रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि इस चैनल पे मैंने मोर देन 120 वीडियोस अपलोड किए हैं एंड सब्सक्राइबर्स के नाम पे है सिर्फ 513। So, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया एक दूसरा चैनल बनाने का। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पे भी मैं इसी टाइप के वीडियोस लाता रहूं, देन आप प्लीज एक बार इस चैनल को भी चेकआउट कर लीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बने रहेगा। और आप इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब जो है वो भी सपोर्ट करता रहे, आप लोग तो करते ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की कि व्हाट डज सीबीएसई सेज। सीबीएसई हमारे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है उसके रिलेटेड क्या कहता है। सो आपको यहाँ पर 7 मार्क्स मिलेगा एक पाइथन प्रोग्राम का, ठीक, जिसमें कि आपका 60% लॉजिक देखा जाएगा, 20% आपका डॉक्यूमेंटेशन प्लस 20% कोड की क्वालिटी, राइट। जो दूसरा आपको प्रोग्राम मिलेगा लैब टेस्ट में वो होगा स्मॉल पाइथन प्रोग्राम दैट सेंड्स अ एसक्यूएल क्वेरी टू अ डेटाबेस। जो माई एसक्यूएल और पाइथन कनेक्टर है उस चैप्टर से आपको एक प्रोग्राम मिलेगा जहां पर आपको पाइथन का इस्तेमाल करके एसक्यूएल की एक क्वेरी को इम्प्लीमेंट करना है एंड डेटाबेस से कुछ रिजल्ट्स को फेच करके आउटपुट में हमें दिखाना है, और यहां पर आपको पाइथन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये दूसरा प्रोग्राम आपको 5 मार्क का होगा, तो 7 और 5 यहां पर आपके 12 मार्क का जो है वो यहां पर आपको लैब टेस्ट होने वाला है। दूसरा है वो है रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल का मतलब जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई है वो वही रिपोर्ट फाइल होती है, और वो आपको यहाँ पर 7 मार्क दिलाएगा। इन 7 मार्क को आपको अगर लेना है तो उसके लिए आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स होने चाहिए। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 4 प्रोग्राम्स शुड सेंड एसक्यूएल कमांड्स टू अवर डेटाबेस एंड रिट्रीव द रिजल्ट। इस 20 में से आपको 4 एसक्यूएल के कमांड्स लिखने हैं। ये आपको स्कूल में बता दिया जाता है, स्कूल ही आपको वो सारे प्रोग्राम्स देता है, एंड आई होप कि आपने ये रिपोर्ट फाइल अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। 12 और 7 19 मार्क्स हमको यहाँ से मिल गए। अब जो 8 मार्क्स है वो आपको मिलेगा प्रोजेक्ट से, और प्रोजेक्ट में जो भी आपने क्लास 11th और 12th में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करके एक बढ़िया सा सुंदर सा एक प्रोजेक्ट बनाना है एंड उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 8 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। जो चौथा डिवीजन है वो है आपको यहाँ पर वाइवा वॉइस, एंड आई होप कि वाइवा क्या होता है। बेसिकली आपसे इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ ये कब हुआ था, ये प्रोग्राम क्या कहता है, ये लिस्ट क्या होता है, पाइथन कब बना था, बेसिकली इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको 3 मार्क दिलाएगा, राइट। तो 7 + 5 = 12, 12 + 7 = 19, 19 + 3 = 22, and 22 + 8 = 30। सो आपके हाथ में यहाँ पर 28 मार्क्स है। 28 मार्क कैसे, ये 12 मार्क यहाँ से, 12 और 7 = 19, 19 और 8 है ना 27। अब 1 मार्क अगर आपका वाइवा कितना भी खराब जाए तो भी आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको यहाँ से 1 नंबर तो मिल ही जाने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट हमें क्या कहता है। सो बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है अगर वो कलरफुल प्रिंट होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो आउटपुट होंगे अगर वो कलरफुल आएंगे तो आपका कोड सही से लिखा हुआ होगा, देन ट्रस्ट मी आपको प्रोजेक्ट के फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं।
अगर अभी तक आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है देन प्लीज चेक आउट दिस वीडियो जो कि आपको यहाँ पर कार्ड वाले बटन पे दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट हमें ये कंसीडर करना है कि ट्राई टू सिंप्लीफाई दी प्रोजेक्ट फाइल। अब सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोड पहले लिख दिया कवर पेज बाद में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कवर पेज होगा, देन कंटेंट का इंडेक्स होगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे, उसके बाद आपने जो भी फंक्शंस यूज किए हैं वो लगाएंगे, देन उसके बाद कोड होगा, देन उसके बाद आउटपुट होगा। सो इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है एंड लास्ट में आपने एक रेफरेंस भी लगा देना है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है जो भी रिसर्च किया हुआ होगा। सो ये सीक्वेंस जो है आपका वो प्रोजेक्ट फॉलो करता हुआ होना चाहिए। राइट, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि रिमेंबर ईच एंड एवरी फंक्शंस यू हैव डिफाइंड एंड यूज्ड इन योर प्रोग्राम। यानी कि आपने प्रोग्राम में जो भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है उसमें आपने जो भी फंक्शंस क्रिएट किए हैं वो फंक्शन किस काम में इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्योंकि आपसे वाइवा में सबसे पहले जो एक्सटर्नल टीचर होगा वो यही पूछेगा कि अच्छा तुमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, चलो बताओ इसका यूज क्या है। सो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सारे फंक्शंस आपको ए टू जेड रट्टा मारे हुए होने चाहिए कौन सा फंक्शन किस काम में आता है। आई होप कि प्रोजेक्ट का भी आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब चलिए पढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मुझे याद है कि क्या क्या हुआ था। सो फर्स्ट पॉइंट इज इनविजिलेटर वॉज नॉट सो सपोर्टिव, और ये आपके साथ भी हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इनविजिलेटर आपका थोड़ा खड़ूस है, उतना सपोर्टिव नहीं हो, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली जो भी नंबर्स होंगे, कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि आपके मार्क्स काटे जाएं। सो एट द एंड जो आपके मार्क्स हैं वो स्कूल के हाथ में ही होते हैं। सो आपको इनविजिलेटर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज कॉन्फिडेंट क्योंकि मॉक प्रैक्टिकल जब हुआ था तो मॉक प्रैक्टिकल में मेरे 28 मार्क्स आए थे। सो मुझे लगा था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं। बस मैंने ये सोचा था कि इसमें जो मैंने मॉक प्रैक्टिकल में दिया था उससे थोड़ा सा अच्छा करना है तो हो सकता है 29 मार्क्स आ जाएंगे। बस मैं यही सोच के इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा मॉक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया था। इनविजिलेटर लिटरली कंफ्यूज्ड मी इन द वाइवा, और ये आपके साथ भी हो सकता है। आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपने उसका कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दिया देन आपसे इनविजिलेटर पूछेगा, है ऐसा, अच्छा ऐसा क्या, और आप यहां पर इतने में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना है वाइवा में, भले ही आप अपना आंसर गलत क्यों ना दे रहे हो, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट रहना है, गलत आंसर भी कॉन्फिडेंट होके देना है। आई वॉज एक्साइटेड टू गिव माई 100%, जैसा कि मैंने आपको बताया मॉक प्रैक्टिकल जो था मेरा वो काफी अच्छा गया था तो इसलिए मैं 100% काफी एक्साइटेड था कि हाँ इसमें तो फोड़ के रख देना है, 29 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आई वॉज अलोन इन द वाइवा। सो हुआ ये कि हम तीन जनों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया था तो जो मेरे दो दोस्त थे उनका पहले ही वाइवा हो गया था क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लिया था। काफी इंटेलिजेंट दोस्त हैं मेरे, उन्होंने फटाफट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और सबसे पहले लाइन में लग गए वाइवा के, और मैं वहां पे छूट गया। मैं आराम से वहां पर बैठ के सोच रहा था कि कैसे किया जाए। एंड पिछले साल जब मैंने दिया था तब वहां पे हमें दो पाइथन के प्रोग्राम मिलते थे एंड एक एसक्यूएल की क्वेरी मिलती थी। सो एक मेरा था प्रोग्राम स्टैक इम्प्लीमेंट करने को और दूसरा मेरा जो प्रोग्राम था वो था एक पाई चार्ट बनाना था। सो उन्होंने पहले कर लिया, अब लास्ट में मैं बच गया अकेले और मेरा जो वाइवा है वो अकेले हुआ था। आई विश कि आप में से किसी का वाइवा अकेला ना हो, वरना आपको बिल्कुल 100% कंफ्यूज किया जा सकता है अगर इनविजिलेटर ने आपको चाहा, बट फिर भी आपको 100% कॉन्फिडेंट रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 में, और यहाँ पर मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करना चाहूंगा। पहला टिप है कि कंप्लीट एवरीथिंग यू हैव लेफ्ट आउट। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब प्रैक्टिकल में जाएं तो आपका किसी भी चीज में, वो प्रैक्टिकल नोटबुक हो चाहे प्रोजेक्ट हो, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, वरना उससे आपके मार्क्स पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ सकता है। सो एक दिन पहले आप चेकआउट कर लीजिएगा कि कहीं आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। राइट, कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि रिवाइज दी बेसिक्स ऑफ पाइथन, और ये आपको वाइवा में काम आएंगे। अब वाइवा में मुझसे पूछा गया था कि पाइथन का नाम कैसे पड़ा, पाइथन को कब रिलीज किया गया, ये बेसिकली मुझसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, टपल के बारे में पूछा जा सकता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड भी आपने जो क्लास 11th में पढ़ा है वो आपसे पूछा जा सकता है। सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि पाइथन का हो रहा है तो आपसे सिर्फ
पाइथन के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे, नेटवर्किंग के बारे में पूछा जा सकता है एंड सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो बेसिकली आपका जो भी सिलेबस है वो सब आपको यहाँ पर आराम से पता होना चाहिए, क्योंकि टीचर को भी पता है, 12th का तो आपको याद है, 11th का तो आपको होगा नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि रिवाइज दी बेसिक्स ऑफ पाइथन, और वहाँ से एक सिंपल सा लिस्ट स्लाइसिंग का, टपल स्लाइसिंग का, कुछ इस टाइप से कुछ प्रोग्राम दे सकते हैं एंड आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। सो सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवाइज दी बेसिक्स ऑफ पाइथन। थर्ड पॉइंट, डू प्रिपेयर योर आंसर्स फॉर जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सीएस। ये बेसिकली अगर आप चाहें तो इसे कंसीडर ना करें तो भी चलेगा, लेकिन ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि क्लास में हमसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा गया कि आप वोटिंग सिस्टम को बढ़िया बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे क्लास में से सभी ने जोर शोर से हाथ उठा के आंसर्स दिए कि हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने भी जोरों शोरों से आंसर दिया कि हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे। अब जो टीचर थी उन्होंने मुझे पूछा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, जरा समझाओ सभी को, तो मैंने खड़े होकर सबको ब्लॉकचेन समझा दिया, तो मुझे यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल गया। और अगर आपको भी ऐसे ओपन एंडेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको हाथ खड़ा करना है एंड आपको आंसर्स देने हैं। चौथा पॉइंट है कि बी कॉन्फिडेंट। आप जब आंसर दे रहे हैं वाइवा में, चाहे ओपन एंडेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको वहां पे कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट होके ही आंसर देना है, भले ही आप गलत दे रहे हो। आपने अगर कॉन्फिडेंस लूज किया देन आई एम सॉरी टू से, आपका एक से डेढ़ मार्क्स तो 100% जाएगा, क्योंकि वाइवा में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखे जाते, आपके जो हाव भाव है वहां पर वो भी चेक किए जाते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। फिफ्थ पॉइंट की डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मान के चलते हैं कि आप तीन चार लोगों के साथ वाइवा देने गए हैं, अपना एक्सटर्नल ने मान लेते हैं कि किसी दूसरे बच्चे से आंसर दिया और आपने उनके सामने हाथ खड़ा करके बोला कि मैं आंसर दूंगा, मैं दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, और जैसे ही अगर वो बंदा बोलता है कि सॉरी मैम मुझे नहीं आता, देन आप अपना हाथ उठाइए और आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछा जा रहा है और आप वहां पर हाथ उठा रहे हैं, मैं दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, सारे जेन्युइन पॉइंट्स थे जो कि मैंने नोटिस किए थे इसमें, बिल्कुल अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपके 30 out of 30 तो मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बने रहता है यार, क्योंकि इस चैनल पे 120 वीडियोस हो गए और अभी भी सब्सक्राइबर के नाम पे सिर्फ 500 है, बहुत दुख होता है। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।